डॉक्टर डीएन गुप्ता, कैसे आप सब। और जैसे कि आपको पता है, इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इस चैप्टर पे हम लोग ने शुरुआत में देखा था कि जितने भी एनिमल्स हैं इस पूरी दुनिया में, मुख्यतः चार तरीके के टिश्यू से मिलकर बने होते हैं, मसल्स टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। इन चारों टिश्यूज के बारे में हम लोग ने काफी डिटेल से प्रॉपर स्टडी कर चुके हैं जो इसके पहले वाले लेक्चर्स हैं, तो जो बच्चे नए हैं उन लेक्चर्स को जरूर लगाएं। उसी के आगे हमें आज स्टार्ट करना है बच्चों ऑर्गेन और ऑर्गेन सिस्टम के तहत जो हमारा पहला ऑर्गेनिज्म है अर्थवर्म, इसके बारे में प्रॉपर स्टडी हमें स्टार्ट करनी है और उन सारे पॉइंट्स को क्लियर करना है जो हमारे एनसीईआरटी की बुक में दिए गए हैं। जैसे कि एक नाम से क्लियर है, कैसा वर्म है जो अर्थ में पाया जाता है, अर्थवर्म है, मतलब ये टेरेस्ट्रियल वर्म होते हैं। अगर हम इनके बॉडी स्ट्रक्चर्स की बात करें, इसकी कलर की बात करें, तो क्या कहता है कि अर्थवर्म का जो बॉडी कलर है बच्चों वो रेडिश ब्राउन होता है। कैसा ब्राउन है? रेडिश ब्राउन है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? ये कैसे इनवर्टिब्रेट्स है? टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट्स है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? इनका जो हैबिटेट है ये कहां पर रहते हैं? तो जो मॉइस्ट सॉइल होती है, जो गीली मिट्टी होती है, मॉइस्ट सॉइल की जो अपर लेयर है बच्चों, वहां पर ये अर्थवर्म पाए जाते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट्स की बात करें, लेकिन अगर हम दिन का समय देखें ड्यूरिंग डे टाइम, तो ये अपने बिलो के अंदर होते हैं। यस, और ये जो बिल अपने कैसे बनाते हैं? ये बनाते हैं इनके जो इनका अपर सेगमेंट, सबसे एंटीरियर सेगमेंट होता है, यस, जिसको बोलते हैं पेरिस्टोमियम, वहां पर एक ऑर्गेन होता है जिसका नाम है प्रोस्टोमियम। तो प्रोस्टोमियम की मदद से ये मिट्टी में बोर करते हैं, बोरिंग करते हैं और उस मिट्टी को खाते जाते हैं और अपने एनस से बाहर पीछे निकालते जाते हैं और फाइनली मिट्टी के अंदर प्रॉपर ये बिल बना लेते हैं। अगर हम बात करें, जैसे सपोज दैट ये एक एस्केलिस है और एस्केलिस की बॉडी आपको पता है कैसी होती है? सेगमेंटेड होती है। तो इसका जो एंटीरियर पार्ट है, यहां पर बच्चों एक ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं प्रोस्टोमियम, और जो अपर जो एंटीरियर सेगमेंट है, पहला सेगमेंट, उसको बोलते हैं पेरिस्टोमियम। तो दोनों वर्ड में अंतर आपको समझते हैं। तो इस प्रोस्टोमियम की मदद से क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर खुदाई करते जाते हैं और जो मिट्टी आती खाते जाते हैं और अपने पीछे एनस से निकालते जाते हैं। इसे क्या होता है, मिट्टी भुरभुरी भी हो जाती है, इसलिए केचुओं को हम किसान का मित्र भी बोलते हैं और इस तरीके से अपने बिल भी बनाते जाते हैं। यही चीजें यहां पर स्लाइड पे लिखी हुई है। कहता है कि यदि गार्डन में इनकी प्रेजेंस को आपको जानना हो, तो गार्डन में मतलब बगीचों में आप इनकी प्रेजेंस कैसे जान सकते हैं? वहां पर आप देखेंगे कि वहां पर आपको वर्म कास्टिंग मिलेगी। वर्म कास्टिंग क्या होता है? इन्हें अर्थवर्म का बच्चों फीकल मटेरियल होता है जो मिट्टी में ऊपर जमा रहता है। तो ये वर्म कास्टिंग देख के आप पता लगा सकते हैं कि यस, इस गार्डन में केचुए हैं, अर्थवर्म है। द कॉमन जो इंडियन स्पीसीज है अर्थवर्म की, वो पहली है फेरिटिमा बच्चों और सेकंड है लुम्ब्रिकस। पहली है फेरिटिमा और सेकंड है लुम्ब्रिकस। तो ये हो गया कुछ जनरल पॉइंट्स। अब हम आते हैं मार्फोलॉजी की, कि जो अर्थवर्म की मार्फोलॉजी क्या कहती है। कहती है मार्फोलॉजी कि अर्थवर्म आप देखेंगे तो लंबी सिलेंड्रिकल बॉडी इनको देखने को मिलेगी, जैसे यहां पर मैंने बनाया, और ये जो बॉडी है वो बहुत सारे सेगमेंट्स पे डिवाइड होती है, मोर देन 100 सेगमेंट से ज्यादा छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं जो बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल एक जैसे रहते हैं। यस, इनको क्या बोलते हैं? मेटामियर्स अबाउट, और इनकी जो संख्या होती है मिनिमम 100 टू मैक्सिमम 120 होती है संख्या में। तो छोटे 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 सेगमेंट्स होते हैं इनके पूरे बॉडी में, यस, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? मेटामियर्स। जो डार्सल सरफेस, अगर आप इनकी बॉडी को देखेंगे, जैसे हम अपनी बात करें तो पीछे वाला क्या है? डार्सल सरफेस, आगे वाला वेंट्रल सरफेस। तो क्या कह रहा है कि अगर हम डार्सल सरफेस की बात करें, मतलब ऊपर वाले डार्सल सरफेस की बात करें, तो वो डार्सल और वेंट्रल पता है कैसे पहचानते हैं? डार्सल में तो एक मीडियल लाइन होती है और जो वेंट्रल सरफेस है वहां पर आपको जेनाइटल पोर्स देखने को मिलेंगे, तो इससे डार्सल और वेंट्रल सरफेस आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि जो डार्सल सरफेस होती है अर्थवर्म के बॉडी की, वो एक मार्क्ड होती है, वहां पर आपको एक डार्क मीडियन मिड डार्सल लाइन मिलेगी, इससे आप पहचान लेंगे कि ये अर्थवर्म की डार्सल सरफेस है। और एक्चुअली ये जो मिड डार्सल लाइन होती है वो कुछ और नहीं है, ये डार्सल ब्लड वेसल्स है। तो अगर हम बात करें बच्चों, तो इसके डार्सल पे आपको इस तरीके से एक मीडियन लाइन मिलेगी जिससे आप पहचान पाएंगे कि यस, ये अर्थवर्म की डार्सल सरफेस है। और ये जो लाइन है बच्चों, एक्चुअली ये किसका उभार होता है? ये डार्सल ब्लड वेसल्स का उभार होता है।
वही ब्लड वेसल जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है, क्योंकि आपको पता है अर्थवर्म के अंदर जो आपको सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा वो क्लोज्ड मिलेगा, मतलब जो ब्लड फ्लो करेगा वो ब्लड वेसल्स में और कैपिलरीज में फ्लो करेगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बॉडी। तो ये आपको लाइन से आप पहचान जाएंगे कि ये अर्थवर्म की डार्सल सरफेस है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जो वेंट्रल सरफेस की अगर पहचानने की हम बात करें तो कैसे पहचानेंगे, बाय द प्रेजेंस ऑफ, इसके वेंट्रल सरफेस पे बच्चे होते हैं जेनाइटल ओपनिंग या जेनाइटल पोर्स। आपको पता है हमारा जो अर्थवर्म है वो कैसा है, मोनोसियस है, इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पोर्स है ऑर्गन्स है वो आपको एक ही इंडिविजुअल में मिलेंगे। तो यहां पर आपकी जो वेंट्रल सरफेस की पहचान है वो जेनाइटल पोर्स की प्रेजेंस से हो जाती है। ओके बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, जो एंटीरियर एंड है किसका, मतलब हमारे अर्थवर्म का जो एंटीरियर एंड है, जो मतलब पहला सेगमेंट जो इसकी एंटीरियर एंड्स की अगर हम बात करें तो इस एंटीरियर एंड में आपको क्या मिलेगा, माउथ मिलेगा और यहां पर प्रोस्टोमियम मिलेगा। प्रोस्टोमियम बच्चों वही स्ट्रक्चर है जिस स्ट्रक्चर की मदद से अर्थवर्म सॉइल में खुदाई करते हैं। यस, प्रोस्टोमियम मिलेगा, एक ऐसा लोब है जो सर्व करता है एज कवरिंग करता है माउथ को और एज ए वेज टू फोर्स ओपन क्रैक्स इन द सॉइल इनटू व्हिच द अर्थवर्म मे क्रॉल, अर्थात जो मिट्टी की जो सरफेस होती है उसको क्रैक करके अंदर घुसने में जो प्रोस्टोमियम है वो मदद करता है। यही पॉइंट्स कह रहा है, कह रहा है जो प्रोस्टोमियम है, चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं पॉइंट्स को और समझते हैं, क्या कह रहा है कि जो प्रोस्टोमियम है वो सेंसरी होता है फंक्शन में, क्योंकि आपको पता है अर्थवर्म में आप आई को तो देखने को मिलेगी नहीं, तो अगर हम बात करें यहां पर तो जो प्रोस्टोमियम है वो सेंसरी होता है फंक्शन में। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है जो पहला बॉडी सेगमेंट है किसका, अर्थवर्म का, उसको हम बोलते हैं पेरिस्टोमियम। तो देखो दो वर्ड आ रहे हैं, पहला आ रहा है पेरिस्टोमियम और दूसरा वर्ड आ रहा है बच्चों प्रोस्टोमियम। तो बच्चों को इसी पॉइंट में कंफ्यूज होता है, तो देखो पेरिस्टोमियम तो पहला बॉडी सेगमेंट है अर्थवर्म का और प्रोस्टोमियम क्या है, मान लीजिए पहला बॉडी सेगमेंट है या दूसरा है, तो पहले बॉडी सेगमेंट के ऊपर इस तरीके का जो ऑर्गन लगा होता है जो खुदाई में मदद करता है, तो ये तो होता है प्रोस्टोमियम, और जो पहला सेगमेंट है बच्चों उसको हम बोलते हैं पेरिस्टोमियम। तो ये दोनों वर्ड्स का प्रोनंसिएशन और मीनिंग बिल्कुल आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके, यहीं पर बच्चों को कंफ्यूजन होता है, क्या कह रहा है कि जब पहला बॉडी सेगमेंट है उसको हम बोलते हैं पेरिस्टोमियम और इसी को हम बक्कल सेगमेंट्स के नाम से भी जानते हैं, जैसे हमारे बक्कल कैविटी क्या है, माउथ है, तो हम जो फर्स्ट सेगमेंट है इसको हम बोलते हैं बक्कल कैविटी या सॉरी बक्कल सेगमेंट विच कंटेन्स, इसमें आपको क्या मिलेगा, माउथ मिलेगा। अगर हम एक मेच्योर वर्म की बात करें, एक ऐसा वर्म जो मेच्योर हो चुका है, सारे सेगमेंट बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं, हर सेगमेंट्स का जो अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है वो प्रेजेंट है, जैसे ब्लड ग्लैंड्स प्रेजेंट है, प्रॉपर जो है उसके जहां पर नेफ्रिडिया प्रेजेंट होना है वहां पर वो चीजें प्रेजेंट है, जेनाइटल पोर्स प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट है, डेवलप हो चुके हैं, तो हम बोलेंगे मेच्योर वर्म है। तो अगर हम एक मेच्योर वर्म की बात करें, उसके सेगमेंट्स की बात करें, तो देखो बच्चों किस तरीके से एक मेच्योर वर्म दिखता है, जरा पहले इसके स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं। देखो बच्चों ये जो आपका फिगर दिया गया है ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, और यहीं पर क्या दिया गया है इस फिगर के बारे में कह रहा है कि यहां पर अर्थवर्म के बॉडी पार्ट्स को दिखाया गया है। एक एक्स में जो ए है वो हमारा डार्सल व्यू है, ये वाला हमारा डार्सल व्यू है, और जो बी वाला है ये इसका वेंट्रल व्यू है। तो डार्सल व्यू में सबसे पहले आप देखिए यहां पर बच्चों एक ही जो लाइनिंग इस तरीके से आपको दिख रही है, ये डार्सल ब्लड वेसल्स की लाइन है और यही बताती है कि यस ये अर्थवर्म का डार्सल साइड है। वेंट्रल साइड में आप कैसे पहचानेंगे, यहां पर वेंट्रल साइड में आपको जेनाइटल अपर्चर मिलेंगे, चाहे हम फीमेल की बात करें या मेल जेनाइटल अपर्चर की बात करें, इससे आप इसका वेंट्रल व्यू पहचान लेंगे। सेकंड पॉइंट्स की अगर हम बात करें बच्चों, क्राइटेलम एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके आधार पर हम केचुए की बॉडी को डिवाइड करते हैं। क्राइटेलम के जस्ट ऊपर वाले भाग को बोल देते हैं प्री क्राइटेलम और क्राइटेलम के जस्ट नीचे वाले भाग को बोल देते हैं पोस्ट क्राइटेलम। तो क्लाइटेलम के ऊपर वाला जो भाग है उसको बोलते हैं प्री और नीचे वाले को बोलते हैं पोस्ट। तो इस तरीके से तीन पार्ट में हम बॉडी को डिवाइड कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट, मैंने क्या बताया था कि देखो ये पहला सेगमेंट यहां पर दिखा रहा है
और फर्स्ट सेगमेंट्स के ऊपर ये जो खोदने वाला ऑर्गन लगा हुआ है इसको बोलते हैं प्रोस्टोमियम। इसी के द्वारा खुदाई करता है मिट्टी में। और पेरिस्टोमियम बोलते हैं बच्चों जो पहला सेगमेंट होता है अर्थवर्म का। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोस्टोमियम एंड पेरिस्टोमियम। तो प्रोस्टोमियम इज जस्ट ए पार्ट ऑफ पेरिस्टोमियम विच हेल्प टू किसमें हेल्प करता है खुदाई करने में, मिट्टी की खुदाई करने में। तो इस तरीके से यहां पर देखिए दो यहां पर अर्थवर्म आपको दिखाए गए हैं और प्रॉपर यहां पर देखिए फीमेल जेनाइटल अपर्चर दिखाया गया, ये मेल जेनाइटल अपर्चर है, ये सीटी है, ये सेगमेंट्स हैं, रिंग्स है सीटी के जो बीच में दिखाए गए हैं और ट्रांसफर ग्रुप है ऑफ एनुलाई का। तो चलिए बच्चों अब थोड़ा सा इसके बारे में क्या कह रहा है एक मेच्योर वर्म के स्ट्रक्चर्स के बारे में और क्या पॉइंट्स है मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड उनको समझ लेते हैं। चलिए अगर हम सेगमेंट्स की बात करें बच्चों तो हमने देखा कि एक मेच्योर वर्म में जो सेगमेंट्स होते हैं कौन से सेगमेंट्स, जरा देखिए इसमें किसकी बात कर रहा है, कह रहा है एक मेच्योर वर्म में, कह रहा है एक अगर मेच्योर वर्म है तो अगर हम सेगमेंट्स देखें तो कह रहा है सेगमेंट्स 14 टू 16 आर कवर्ड बाय ए प्रोमिनेंट डार्क बैंड ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू कॉल्ड क्लाइटेलम। तो शुरुआत का जो 14 से 16 जो सेगमेंट्स हैं कहां से लेके 14 टू 16 जो सेगमेंट है बच्चों ये कवर्ड होता है एक प्रोमिनेंट डार्क बैंड होता है किसका, ग्लैंडुलर टिश्यू का होता है और इसको हम बोलते हैं क्लाइटेलम। तो क्लाइटेलम की पोजीशंस क्या है 14 टू 16। देखो बच्चों चैप्टर को आगे बढ़ाने के पहले मैं एक चीज आपको प्रॉपर क्लियर कर देता हूं, जब भी आप अर्थवर्म का चैप्टर पढ़ते हैं और जब भी ये सेगमेंट्स के नंबर्स की बात आती है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं 14 टू 16 है, कहीं 6, 7, 8 है, कहीं 18 है, कहीं 14 है, तो ये सेगमेंट कैसे याद रखना है। तो मैं इस लेक्चर्स के बाद आपको एक और वीडियो लेक्चर बनाने वाला हूं जिसमें 5 मिनट की वीडियो लेक्चर में मैं आपको सारे सेगमेंट्स कैसे याद करना है और उस सेगमेंट में कौन चीजें कहां पर प्रेजेंट हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगी। तो यहां पर आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप यहां पर ये देखना है कि हमारी एनसीईआरटी क्या क्या रही है, इन प्रॉपर सेगमेंट कहां कहां पर मौजूद है इसके बारे में मैं आपको जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें वीडियो बना दूंगा। यहां पर सिर्फ आप ये समझिए कि किस सेगमेंट में कौन सा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। ओके तो 14 टू 16 में कौन सा स्ट्रक्चर देखने को मिला जिसको हम बोलते हैं क्लाइटेलम। अगर हम क्लाइटेलम की बात करें बच्चों तो देखो क्लाइटेलम कहां दिख रहा है आपको, यस ये देखो ये है हमारा क्लाइटेलम, यस। और ये कैसा होता है, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है यहां पर, ये क्लाइटेलम है 14 टू 16 सेगमेंट्स पे होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है यस अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो 14 टू 6 में क्या मिल गया आपको, क्लाइटेलम मिल गया। अब कह रहा है यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, आपको मिल रहा है प्रोमिनेंट डार्क बैंड मिल रहा है ग्लैंडुलर टिश्यू को और इसी को हम बोलते हैं क्लाइटेलम। तो क्लाइटेलम क्या है, ग्लैंडुलर टिश्यू, यहां पर ग्लैंड्स आपको देखने को मिलते हैं। उसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं बच्चों तो आपको सारे अच्छा बिल्कुल विजुअल हो पाएंगे। कह रहा है कि अगर हम बॉडी की बात करें तो बॉडी को जो हम डिवाइड करते हैं, बॉडी इज डिविजिबल इंटू 3 पार्ट्स में, 3 जो प्रोमिनेंट रीजन होते हैं वो इसी क्लाइटेलम के आधार पर करते हैं। क्लाइटेलम के जस्ट ऊपर कौन सा रीजन हो जाएगा, प्री क्लाइटेलर रीजन, एक तो क्लाइटेलर वाला हो ही गया और इसके नीचे वाले रीजन को बोलते हैं पोस्ट क्लाइटेलर सेगमेंट्स। तो पूरी बॉडी को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पहला क्लाइटेलम, क्लाइटेलम को जस्ट ऊपर प्री क्लाइटेलर, क्लाइटेलर और बाद में क्या हो जाएगा पोस्ट क्लाइटेलर सेगमेंट्स। ये जो चार आप देखेंगे यहां पर जो 4 पेयर होते हैं इस पर मेथिकल अपर्चर्स होते हैं जो सिचुएटेड होते हैं कहां पर, वेंट्रोलैटरल साइड्स ऑफ द इंटरसेगमेंटल ग्रूव्स, और कौन सा है वो 5 to 9th सेगमेंट। अगर हम बात करें बच्चों तो जैसे हम मान लेते हैं ये 5 सेगमेंट है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है और ये 9। ये कह रहा है कि अगर हम देखें तो 5 से 9 जो सेगमेंट है 5, 6, 7, 8, 9 5 से 9 सेगमेंट्स के बीच में आपको क्या मिलेगा, यहां पर 4 जोड़ी, कितने 4 पेयर्स का मतलब 8, आपको 8 जो है 8 क्या मिलेंगे इस पर मिथिकल अपर्चर्स मिलेंगे, छोटे छोटे छिद्र आपको देखने को मिलेंगे, यस
कितने मिलेंगे, 8 मिलेंगे टोटल एपर्चर्स मिलेंगे, जो कि वेंट्रोलैटरल साइड, वेंट्रोलैटरल का मतलब क्या है, ये वेंट्रल हो गया, ये लैटरल हो गया, तो वेंट्रोलैटरल साइड मतलब यहां पर आपको वेंट्रल लैटरल साइड में आपको 4 पेयर मतलब 8 स्पर्मेटिकल एपर्चर्स देखने को मिलते हैं और इनकी जो पोजीशन है वो है 5-9 सेगमेंट। कह रहा है कि एक सिंगल फीमेल जेनाइटल पोर भी आपको प्रेजेंट मिलेगा, कहां पर, मिड वेंट्रल जो लाइन होगी वेंट्रल की बीच में, अगर हम बात देखें, अगर ये वेंट्रल पोर्शन है तो ये जो मिड वाली लाइन है, मिड वेंट्रल लाइन की कौन से सेगमेंट में, 14th सेगमेंट में आपको एक सिंगल फीमेल जेनाइटल पोर भी देखने को मिलेगा और इसकी पोजीशंस क्या है बच्चों, इसकी पोजीशन है 14th सेगमेंट। ओके, तो ये तो 5-9 थे, तो अगर हम बात करें 10, 11, 12, 13, 14, तो 14 सेगमेंट्स के जो मिड वेंट्रल लाइन में आपको एक फीमेल एपर्चर देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि एक जोड़ी, एक पेयर ऑफ मेल जेनाइटल पोर, मतलब दो पोर आपको मिलेंगे जिसको बोलेंगे ए पेयर ऑफ मेल जेनाइटल पोर, ये भी प्रेजेंट होंगे कहां पर, वेंट्रोलैटरल साइड, वेंट्रोलैटरल साइड बिल्कुल क्लियर है ना, वेंट्रोलैटरल साइड ऑफ द 18th सेगमेंट। तो 14 सेगमेंट से क्या मिला, फीमेल वाला अपर्चर, और 18 सेगमेंट में मिला हमको मेल जेनाइटल अपर्चर। फिर क्या कह रहा है, अपर्चर या पोर्स बोलते हैं, अपर्चर नहीं सॉरी फोर पोर्स बोलेंगे इसको, बहुत सारे मिनट्स पोर्स को हम बोलते हैं नेफ्रिडो पोर्स, आपको देखने को मिलते हैं, ये जो खुले होते हैं ओपन ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी, बॉडी की सरफेस में आपको मिलेंगे नेफ्रिडियो पोर्स। प्रत्येक बॉडी सेगमेंट में किसको छोड़ के, पहले सेगमेंट को छोड़ दीजिए, लास्ट को छोड़ दीजिए और आप क्लिटेलम को छोड़ दीजिए, तो प्रत्येक सेगमेंट्स में आपको एक रो मिलेगी इस, और रो कैसी है, एस शेप्ड रो मिलेगी, जिसको हम बोलते हैं सीटी, क्या बोलते हैं सीटी। ये एम्बेडेड कहां पर है, एम्बेडेड इन द इपिडर्मल पिट्स, इपिडर्मल में जो पिट्स होते हैं, गड्ढे होते हैं, इन द मिडिल ऑफ ईच सेगमेंट, प्रत्येक सेगमेंट के जस्ट बीच में। और सीटी जो है एक्सटेंडेड होते हैं या रिट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे और रिलैक्स होंगे, यस। और इनका जो प्रिंसिपल रोल होता है बच्चों, वो लोकोमोशन में होता है, क्योंकि आप देखेंगे यहां पर दो तरीके की मसल्स होती है, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल और एक होती है सर्कुलर। तो इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होने की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और रिलैक्स करेंगे, जिससे ये मदद करते हैं बच्चों लोकोमोशन में। तो अर्थ वर्म की लोकोमोशन में ये मदद करने वाला स्ट्रक्चर है, जो एक्सटेंडेड या रिट्रैक्टेड हो सकता है, मतलब फैल सकता है और सिकुड़ सकता है। चलिए, तो इस तरीके से हम लोग ने मॉर्फोलॉजी वाला पोर्शन देखा अर्थवर्म का, और अब हम बात करेंगे अर्थवर्म के एनाटॉमी वाले पोर्शन की। चलिए बच्चों, अब जरा एनाटॉमी में आ जाते हैं। एनाटॉमी क्या कहती है, कहती है यदि हम बॉडी वाल देखें अर्थवर्म की बच्चों, तो एक्सटर्नली ये बाहर से कवर्ड होती है एक पतली नॉन सेलुलर क्यूटिकल की लेयर होती है, और इसी के नीचे आपको देखने को मिलती है इपिडर्मिस। आपको यहां पर दो मसल्स लेयर मिलेंगी, एक होगी सर्कुलर और दूसरी होगी लॉन्गिट्यूडनल, और आपको पता है यही लेयर की वजह से क्या होता है, लोकमोशन देखने को मिलता है। और एक आपको इनर मोस्ट सिलोमिक इपिथीलियम देखने को मिलेगी, सिलोम का मतलब होता है खाली जगह, सिलोमिक इपिथीलियम देखने को मिलेगी। इसकी जो इपिडर्मिस है बच्चों, ये किसकी बनी होती है, क्या कह रहा है, epidermis is made of a single layer of columnar epithelial cells which contain secretory glands। कह रहा है जो इसकी epidermis है वो बनी हुई है columnar epithelium की बच्चों, single layer होती है जिससे बनी होती है, और इस layer में आपको secretory glands cells देखने को मिलते हैं। okay, next point क्या कह रहा है, अब नेक्स्ट पॉइंट में हम किसकी बात कर ले, हम बात कर ले एलिमेंट्री कैनाल। देखो जिस तरह से एलिमेंट्री कैनाल हमारे बॉडी के अंदर है, थोड़ा सा आपको यहां पर डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा उसकी पॉइंट्स की भी बात कर लेंगे। तो यहां पर भी अर्थवर्म की जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो एक सीधी ट्यूब है, और ये फर्स्ट से लास्ट सेगमेंट ऑफ द बॉडी के
ये रन करती है, मतलब माउस से स्टार्ट होती है और एनस तक जाती है। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, आपको एक टर्मिनल माउथ प्रेजेंट ओपन्स होता है कहां पर, बक्कल कैविटी में, और बक्कल कैविटी ये कहां से कहां तक देखने को मिलेगी, पहले से जो फर्स्ट टू पहले से जो तीसरा सिगमेंट है 1, 2, 3 वहां पर इन सिगमेंट्स के अंदर क्या होगी, बक्कल कैविटी होगी। फिर इस बक्कल कैविटी के आपके नीचे क्या मिलेगा, आपको फेरेनिक्स देखने को मिलेगा। ये तो हमारे साथ भी होता है, बक्कल कैविटी है फिर फेरेनिक्स है, ठीक है। तो यही चीज आपको अर्थवर्म में देखने को मिल रहा है। देखो ये है माउथ और ये है मस्कुलर फेरेनिक्स, यस। तो माउथ क्या कह रहा है, माउथ है पहले से तीसरे पार्ट तक, और फिर यहां पर लीड क्या कर रही है, ये मिल रही है आपको मस्कुलर फेरेनिक्स। फेरेनिक्स के बाद आपको क्या मिल रहा है, ईसोफेगस जैसे हमारे अंदर होता है। फिर यहां पर जो एक नया स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो हमारे अंदर नहीं है, इसको हम बोलते हैं गिजार्ड। और यहीं पे आपको पता है जो पीसेस हैं इसको यहां पर पीसा जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल में चेंज किया जाता है। फिर यह आ जाता है आपका स्टोमक, है ना। फिर आ जाएगा प्री टिफ्लोसोलर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, ये वो रीजन है जहां से एब्जॉर्प्शन होता है। फिर इस तरह से लास्ट में आपको क्या मिलेगा, एनस मिलेगा। तो अगर हम इसकी एलिमेंट्री कैनाल की बच्चों बात करें तो क्या कह रहा है कि पहले जो 1 से 3 सिगमेंट्स होते हैं यहां पर आपको मिलेगा माउथ, इसके नीचे मिलेगा मस्कुलर फेरेनिक्स, और मस्कुलर फेरेनिक्स के बाद आपको क्या मिलेगा, ईसोफेगस, जो 5 to 6, 7 सिगमेंट्स तक एक्सटेंड करेगा। मतलब 5 to 7 सिगमेंट्स तक आपको क्या मिल रहा है, वो मिल रहा है आपको ईसोफेगस। फिर क्या कह रहा है, कंटिन्यू इनटू ए मस्कुलर गिजार्ड की जो पोजीशन होती है वो 8 to 9 सेगमेंट होती है। तो ये मस्कुलर गिजार्ड आपको मिल रहा है बच्चों वो किस सेगमेंट में मिलेगा, 8 to 9 सेगमेंट से मिलेगा मस्कुलर गिजार्ड सेगमेंट, देख मस्कुलर गिजार्ड मिल रहा है। और ये किसमें हेल्प करता है, ये ग्राइंडिंग करता है सॉइल पार्टिकल्स को। तो जो अर्थवर्म जो सॉइल के पार्टिकल्स खाते हैं उनको पीस पीस के और छोटा कर देता है, ग्राइंडिंग पार्टिकल्स कर देता है। और जो लीव्स ये खाता है उनको भी काट पीट के छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर देता है। अगर हम स्टोमक की बात करें तो ये 9 से 14 सेगमेंट्स में देखने को मिलेगा। जो फूड होता है कहां पर मिलेगा, 9 से 14 सेगमेंट तक ये फैला हुआ है इसका स्टोमक, 9 to 14 सेगमेंट्स तक। जो फूड होता है बच्चों अर्थवर्म का, वो होते हैं जो लीव्स ऐसी जो डीके कर रही है, और ऑर्गेनिक मैटर होते हैं जो मिक्स होते हैं सॉइल के साथ, जैसे आप जानते हैं ह्यूमस। अगर हम बात करें तो इनके स्टोमक में बच्चों एक कैल्सीफेरस ग्लैंड्स होती है, और इस ग्लैंड्स का काम होता है कि स्टोमक के अंदर जो ह्यूमिक एसिड है जो आया है ह्यूमस के साथ उसको क्या करना है, उसको न्यूट्रलाइज करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैल्सीफेरस ग्लैंड अर्थवर्म में आपको किस ऑर्गेन में देखने को मिलेगी, तो व्हाट विल बी योर आंसर, आंसर शुड बी इन इनसाइड स्टोमक। स्टोमक में आपको मिलती है कैल्सीफेरस ग्लैंड्स जो प्रेजेंट होती है स्टोमक में, और ये क्या करती है, जब ह्यूमस खाता है, ह्यूमस क्या मिट्टी में मौजूद है तो इसमें ह्यूमिक एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करती है कैल्सीफेरस ग्लैंड। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, अगर हम इंटेस्टाइन की बात करें तो इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है 15वें सेगमेंट से और ऑनवर्ड्स लगातार रहती है, कंटिन्यू टिल द लास्ट सेगमेंट तक, मतलब आखिरी सेगमेंट तक 15वें से स्टार्ट हो रही है। लास्ट सेगमेंट जहां पर एनस मिल रहा है वहां तक प्रॉपर आपको ये अब इंटेस्टाइन देखने को मिलेगी। क्या कह रहा है, एक जोड़ी वन पेयर ऑफ शॉर्ट छोटे और कॉनिकल इंटेस्टाइनल सीकी भी प्रोजेक्टेड होते हैं फ्रॉम द इंटेस्टाइन ऑन द 26 सेगमेंट। अब देखो बच्चों यहां पर अगर इसको थोड़ा सा ऊपर करें तो आपको सिक्के वाला स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। चलो देखो ये इंटेस्टाइनल सीका में देखने को मिल रहा है, इसकी जरा बात कर लेते हैं। या देखें इंटेस्टाइनल सीका, ये छोटे छोटे प्रोजेक्शन हैं, देख रहे हैं, ये प्रोजेक्शन है, ये यहां पर मिल रहा है। अगर हम इसकी बात करें तो क्या कह रहा है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है किसका, इंटेस्टाइन का, 26 सेगमेंट्स के बाद एक्सेप्ट द लास्ट 23 से 25 सेगमेंट्स को आप छोड़ दीजिए, तो यहां पर 26 सेगमेंट से आपको कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं जिसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल सीकम। यस बच्चों, यस। जो मीडियन फोल्ड जो होते हैं डॉर्सल वॉल कॉल्ड टिफ्लोसोल, और उसमें जैसे आपको पता है हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है फोल्ड हो जाती है,
यस माइक्रोविलाई होती है जिससे हम एब्जॉर्ब करते हैं, फोल्ड हो जाते हैं, फोल्ड सरफेस एरिया बढ़ा देती है जो एब्जॉर्प्टिव सरफेस होती है। तो यहां पर भी आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, यस टिफ्रोसोलर पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन जहां से ये एब्जॉर्प्शन प्रोसेस करती है। तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि दिस इंक्रीज द इफेक्टिव एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन। जो एलिमेंट्री कैनाल होती है ओपन्स करती है टू द एक्सटीरियर बाय ए स्मॉल राउंडेड अपर्चर कॉल्ड एनस। एनस के द्वारा जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो बाहर निकाल दिया जाता है, जो हमारे अंदर भी है वही चीज। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जो इंजेस्टेड ऑर्गेनिक रिच सॉइल होती है वो इसी एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक के थ्रू गुजरती है। यस जहां पर इस जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो प्रॉपर वर्क करते हैं, इसको ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स फूड को छोटे छोटे स्मॉलर एब्जॉर्बेबल यूनिट्स में। तो यही काम तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का भी है, जब हम खाते हैं तो इसोफेगस से फाइनली कहां पहुंचता है, स्टोमक में पहुंचता है। स्टोमक में क्या करते हैं, चर्निंग मूवमेंट से हम उसको एससीएल मिक्स कर जाता है, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है जहां पर आपको पता है जो डियोडिनम रीजन है वहां पर से क्या वहां से अटैच है, पैंक्रियास अटैच है, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स आते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आते हैं, वो प्रॉपर उसको डाइजेस्ट करते हैं और इस तरीके के मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं जिससे हमारी जो इंटेस्टाइन की जो एब्जॉर्प्टिव सरफेस है उसको प्रॉपर एब्जॉर्ब कर पाए। तो वही चीज आपको यहां पर भी देखने को मिल रही है। कह रहे हैं जो सिंपलर मॉलिक्यूल्स हैं ये कैसे हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन के द्वारा और फाइनली फिर यूटिलाइज हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जो फेरेटीमा होती है, जो फेरेटीमा स्पीसीज है वो एग्जिबिट करती है, क्या एग्जिबिट कर रही है, क्लोज टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्लोज टाइप का मतलब क्या है कि ब्लड यहां पर आपको आर्टरीज और वेन्स के अंदर बहता हुआ मिलेगा, प्रॉपर कैपिलरीज यहां पर होंगी कंसिस्टिंग ऑफ ब्लड सॉरी आर्टरीज और आपको ब्लड वेसल्स यहां पर देखने को मिलेगी, कैपिलरीज एंड हार्ट भी आपको देखने को मिलेगा। कह रहा है ड्यू टू क्योंकि ये क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है इसलिए ब्लड जो है वो कहां मिलेगा, आपको हार्ट के द्वारा पंप होगा और ब्लड वेसल में ये फ्लो करेगा। लगातार जो हार्ट का कॉन्ट्रेक्शन है वो ब्लड को एक डायरेक्शन में प्रॉपर फ्लो कराता रहता है। तो वेन्स की बात हम यहां पर नहीं करेंगे सॉरी, ठीक है पहली चीज। सेकेंड पॉइंट कह रहा है एक स्मॉलर जो ब्लड वेसल्स होती है वो गट को ब्लड सप्लाई करती है, नर्व कार्ड को ब्लड सप्लाई करती है और बॉडी वाल को ब्लड की सप्लाई करती है। जो ब्लड ग्लैंड्स है बच्चों यस इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ब्लड ग्लैंड्स होते हैं वो फोर्थ फिफ्थ और सिक्स सेगमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें कहां पर है फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेगमेंट्स, तो यहां पर देखो फोर्थ फिफ्थ सेगमेंट सिक्स सेगमेंट यस, ये जो हमारा ये यहां पर देखिए ये जो फोर फाइव सिक्स सेगमेंट है यहां पर होती है बच्चों ग्लैंड ब्लड ग्लैंड्स होती हैं और यही ग्लैंड्स क्या बनाती हैं, जो ब्लड सेल्स हैं वो बनाती हैं प्लाज्मा को बनाती हैं और फाइनली वो ब्लड जो फ्लो है उसमें ये आ जाता है। तो ब्लड ग्लैंड्स का काम क्या है, ब्लड सेल्स को बनाना। कहां पर उपस्थित है ब्लड ग्लैंड, फोर फाइव और सिक्स रीजन पे। चलिए तो यहां पर हमने देखा ब्लड ग्लैंड प्रेजेंट है हमारे फोर फाइव सिक्स सेगमेंट्स में, यस यहां पर हमने देख लिया। क्या कह रहा है ये क्या कर रही है, ये जो ब्लड ग्लैंड्स हैं ये प्रोड्यूस करती हैं जो ब्लड सेल्स हैं और हीमोग्लोबिन को प्रोड्यूस करती हैं। हीमोग्लोबिन वो सब्सटेंस है जो ऑक्सीजन को कैरी करने में मदद करता है, विच इज हीमोग्लोबिन की वजह से क्या है कलर कैसा है ब्लड का रेड है, Which is dissolved in blood plasma, जो कि blood plasma में घुला होता है। Blood cells की बात करें तो ये phagocytic होती है nature में, मतलब जो microorganism या pathogens आएंगे उनको खापी के बराबर कर देगी, जैसे WBC होती है in nature में। Earthworm में आपको specialized breathing devices नहीं मिलेंगी, जैसे हमारे अंदर lungs होता है वैसा यहाँ पर नहीं होता है। जो respiratory जो exchange है वो moist body surface के through होता है, yes, जैसे आप frog में देखते हैं into their blood stream। चलिए next point क्या कह रहे हैं, अब हम बात करते हैं next, yes आप देखिए यहां पर proper ये dorsal vessel है, यहां पर अगर हम बात करें देखो तो यहां पर ये आपकी dorsal vessel blood vessels दिखाई गई है, yes ये हमारी lateral hearts यहां पर दिखाए गए हैं,
यस, ये आपकी वेंट्रल वेसल है, ये लैटरोइसोफेगल वेसल्स है, पूरे पार्ट्स दिए गए हैं, ये एंटीरियर लूप्स हैं ये दोनों, है ना, और ये सब न्यूरल वेसल्स हैं यहाँ पर, और ये कमिसुरल वेसल्स है, देख रहे हो, ये आप क्या कर रही है, ये ज्वाइन करा रही है। चलो जरा इसके बारे में थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं जो इस पे लिखी हुई है। अब हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की बात करते हैं, क्या कह रहा है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में। अगर आप एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की बात करें तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स अगर एज सेगमेंटली अरेंज्ड कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं नेफ्रीडिया। क्या क्या कह रहा है, ये ट्यूब्यूल्स कैसी हैं, इन ट्यूब्यूल्स में भी सेगमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे और ये कॉइल्ड होंगी, यस ट्यूब्स होंगी जिसको हम बोलेंगे नेफ्रीडिया। तो नेफ्रीडिया इसमें क्या होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। तो अगर हम बात करें बच्चों यहां पर, अगर हम बात करें यहां पर देखो, यहां पर फेरिंजियल नेफ्रीडिया आपको देखने को मिल रही है, ये देखो, और यहां पर टफ्ट ऑफ फेरिंजियल नेफ्रीडिया है, टफ्ट है, पूरे गुच्छे हैं यहां पर, यहां पर इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया है, यहां पर फॉरेस्ट ऑफ इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया पूरा का पूरा फॉरेस्ट है, और ये है सेप्टल नेफ्रीडिया। तो नेफ्रीडिया बच्चों एक्चुअली क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो आपको अर्थवर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो कैसी होती है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से और क्वाइल रहेंगे, और कैसे रहेंगे, सिगमेंटेड रहेंगे। तो ये कैरेक्टरिस्टिक जरूर याद रखिएगा। कहते हैं दे ये तीन तरीके के होते हैं नेफ्रीडिया। पहला होता है जिसको बोलते हैं सेप्टल नेफ्रीडिया, सेकेंड होता है इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया, और जो थर्ड होता है बच्चों ये हो गया हमारा पहला सेप्टल नेफ्रीडिया, सेकेंड हो गया इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया, और थर्ड होता है हमारा फेरिंजियल नेफ्रीडिया। अब देखो इनके नाम से ही क्लियर है कि ये नेफ्रीडिया कहां पर प्रेजेंट है। सेप्टल नेफ्रीडिया के बारे में कह रहा है कि ये दोनों साइड में, बोथ द साइड ऑफ इंटरसिगमेंटल सेप्टा ऑफ सेगमेंट्स में 15 टू लास्ट दैट ओपन इनटू द इंटेस्टाइन। तो जो सेप्टल नेफ्रीडिया है, सेप्टल नेफ्रीडिया का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे अगर हम बात करें कि ये अगर अर्थवर्म की बॉडी है तो ये दो सेगमेंट्स हैं, तो इसको बीच में जो सेपरेट कर रहे हैं इसी को बोलते हैं इंटरसेगमेंटल सेप्टा। तो क्या कह रहे हैं, इसके बोथ साइड, दोनों साइड प्रेजेंट हैं सेगमेंट, 15 से लेके कहां तक, लास्ट सेगमेंट तक, कहां पर, इंटेस्टाइन में। सेकंड होते हैं हमारे इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया, इंटीग्यूमेंट्री जैसे नाम से ही क्लियर, तो इंटीग्यूमेंट्री में प्रेजेंट होंगे, और ये अटैच होते हैं जो लाइनिंग होती है बॉडी वॉल की, सेगमेंट्स की, 3 से लेके जो लास्ट सेगमेंट तक है जो ओपन होता है ऑन द बॉडी सरफेस में। और तीसरा होते हैं हमारे फेरिंजियल नेफ्रीडिया, यस ये प्रेजेंट होते हैं, ये तीन पेयर्ड होते हैं टफ के, गुच्छों के, कहां पर, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स सेगमेंट में अर्थवर्म के। तो तीन तरीके से आपने देखा, यहां पर देखा इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया, ये हो गया फेरिंजियल नेफ्रीडिया, यस, और ये हो गया सेप्टल नेफ्रीडिया। तो तीन टाइप्स के होते हैं, ऑन द इनकी प्रेजेंस कहां पर है इसके आधार पर इनके नाम दिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ये जो डिफरेंट टाइप्स के नेफ्रीडिया हैं, ये बेसिकली बच्चों स्ट्रक्चर में एक जैसे हैं, ऐसा नहीं है, एक्चुअली नाम इसलिए अलग अलग तीनों दे दिए गए हैं क्योंकि इनकी प्रेजेंस जहां जहां पर है तो पहचानने में आपको दिक्कत ना हो, इसलिए कह दिया गया कि भाई ये सेप्टल नेफ्रीडिया है, सेप्टा में प्रेजेंट है, ये इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया इंटीग्यूमेंट्स में प्रेजेंट है, ये फेरिंजियल नेफ्रीडिया फेरिंजियल वाले रीजन में प्रेजेंट है, इसलिए आसान बनाने के लिए। लेकिन इनका अगर बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे बच्चों तो सभी का सेम होता है। नेफ्रीडिया क्या करती है, ये रेगुलेट करती है वॉल्यूम और कंपोजिशन ऑफ द बॉडी फ्लूड, जो काम हमारी किडनी करती है। किडनी का करती है, अगर ब्लड में ज्यादा पानी है तो बाहर कर देगी, ब्लड में अगर पानी की कमी हो रही है तो ब्लड बाहर बॉडी से न जाए, वो कुछ इस तरह की मैकेनिज्म करेगी। तो वैसे ही मैकेनिज्म यहां पर नेफ्रीडिया कर रही है, वो क्या कर रही है कि बॉडी फ्लूड्स के वॉल्यूम्स को और उसके कंपोजिशंस को रेगुलेट करती है, मेंटेन करती है। अगर हम बात करें कि नेफ्रीडियम की, तो ये कहां से स्टार्ट आउट एज अ फनल, फनल का मतलब क्या है, इस तरीके से स्टार्ट होगी, फिर इस तरह से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होगा और इस तरीके से यहां पर फ्लड आएगा, फिल्टर करेगा, फिर एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो बाहर हो जाएगा। तो कह रहा है नेफ्रीडियम स्टार्ट आउट एज ए फनल दैट कलेक्ट एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम कहां पर, सिलोमिक चैम्बर से, और ये फनल
कनेक्ट करती है, एक ट्यूबुलर पार्ट है निफ्रिडियम का जो कि डिलीवर करता है वेस्ट थ्रू ए पोर टू द सरफेस इन द बॉडी वॉल इनटू द डाइजेस्टिव ट्यूब। तो डाइजेस्टिव ट्यूब में प्रॉपरली जो है ये चीजें यहां पर डाल देती है निफ्रिडियम बॉडी वॉल इनटू द डाइजेस्टिव ट्यूब। अब हमने यहां पर बात कर ली प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम की, अब हम बात कर लेते हैं अर्थवर्म के नर्वस सिस्टम की। एनसीईआरटी कहती है कि जो नर्वस सिस्टम है वो बेसिकली जो रिप्रेजेंटेड होता है किसके द्वारा रिप्रेजेंट हो रहा है नर्वस सिस्टम, गैंग्लिया के द्वारा। और ये सारी जो गैंग्लिया है बच्चों ये अरेंज्ड होती हैं कहां पर, सिगमेंट वाइज। जो आप सिगमेंट्स देखते हैं अर्थवर्म में उसमें सिगमेंट वाइज ये गैंग्लिया अरेंज होती हैं कहां पर, ऑन द वेंट्रल पेयर्ड नर्व कार्ड पे। वेंट्रल एक तो होता है डार्सल एक होता है वेंट्रल, तो वेंट्रल नर्व कार्ड पे ये प्रॉपर तरीके से अरेंज होती हैं सिगमेंट वाइज। और किसमें होती हैं, पेयर्ड में होती हैं। क्या कह रहा है, जो नर्व कार्ड है कहां पर, इन द एंटीरियर रीजन। कौन सा एंटीरियर रीजन, थर्ड एंड फोर्थ सिगमेंट्स में। जो एंटीरियर रीजन है अर्थवर्म में जो थर्ड और फोर्थ सिगमेंट्स हैं यहां पर जो नर्व कार्ड है बच्चों ये बाइफर्केट्स कर जाती है। बाइफर्केट्स का मतलब क्या है, इस तरह से आया और फिर इस तरीके से बाइफर्केट कर गई, बाइफर्केट कर जाती है। और लैटरली, लैटरली क्या होगा, लैटरली ये इनसर्किल करती है मतलब घेर लेती है किसको, फेरेनिक्स को, और बाद में ज्वाइन करती है, ज्वाइंस द सेरिब्रल गैंग्लिया और फिर सेरिब्रल गैंग्लिया के साथ मिल जाती है कहां पर, डॉर्सली टू फॉर्म, जिससे एक नर्व रिंग जैसी स्ट्रक्चर, नर्व रिंग जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। ये जो सेरिब्रियल, जो सेरिब्रियल गैंग्लिया है बच्चों अलोंग विथ अदर नर्व, ये सेरिब्रल जो गैंग्लिया है दूसरे नर्व के साथ कहां पर, इन द रिंग्स इंटीग्रेट सेंसरी इनपुट। और यहां पर क्या आता है, जब सेंसरी इनपुट आता है तो प्रॉपर उसके प्रति ये रिस्पांस दिखाती हैं एज वेल एज कमांड मस्कुलर रिस्पॉन्सेस ऑफ द बॉडी। और जिस तरीके का मस्कुलर रिस्पांस देना होता है उस तरीके के ऑर्डर मसल्स तक जाते हैं और उस तरीके का रिस्पांस आपको अर्थवर्म की बॉडी में देखने को मिलता है। तो फाइनली अगर हम यहां पर देखें तो जो नर्वस सिस्टम है अर्थवर्म का वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है गैंग्लिया। ये गैंग्लिया आपको किस तरीके से मिल रही देखने के लिए, वेंट्रल पे ये पेयर नर्व कार्ड, पेयर नर्व कार्ड है मतलब इस तरीके से हमारे में सिंगल होती है, यहां पर पेयर नर्व कार्ड है बच्चों, ठीक है। और क्या कह रहा है, एंटीरियर रीजन में थर्ड और फोर्थ सेगमेंट्स में ये बाइफर्केट कर रही है और फिर ये इनसर्किल कर लेती है फेरेनिक्स को और सेरिब्रल गैंग्लिया डॉर्सली फिर इसको ज्वाइन कर जाती है और एक नर्व रिंग का स्ट्रक्चर बनता है। और ये जो सेरिब्रल गैंग्लिया है दूसरे नर्व के साथ रिंग जो स्ट्रक्चर बना है फिर इंटीग्रेट होगी और सेंसरी इनपुट होगा और जैसे सेंसरी इनपुट होगा उस तरीके के कमांड यहां से जाएंगे और मसल्स में उस तरीके के फंक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अब थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। नेक्स्ट पेज क्या कहता है एनसीईआरटी का अर्थवर्म के रेफरेंस में बच्चों, अब हम जब थोड़ा सा नीचे बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो क्या कह रहा है कि जो सेंसरी सिस्टम है, जैसे आई के बारे में हम बात करें तो आई क्या है अर्थवर्म के केस में क्या है, एब्सेंट है। सेंसरी सिस्टम डज नॉट हैव द आई बट डज पजेस लाइट एंड टच सेंसिटिव ऑर्गन आपको मिलेंगे। आई एब्सेंट है लेकिन आपको लाइट और टच के लिए सेंसिटिव ऑर्गन मिलेंगे, यस। और इनको ये किस फॉर्म में होते हैं, ये रिसेप्टर सेल्स के फॉर्म पे होते हैं जो डिस्टिंग्विश करते हैं लाइट की इंटेंसिटी को कि लाइट की इंटेंसिटी कैसी है उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं और फील कर पाते हैं वाइब्रेशंस को, ऐसा वाइब्रेशंस जो ग्राउंड में जनरेट हो रहा है। तो इनके पास भले ही आई ना हो लेकिन इनके पास अन्य जो सेंसरी ऑर्गन है जैसे वाइब्रेट्स को महसूस करना, लाइट की इंटेंसिटी को समझ पाना कि कितनी की लाइट इंटेंसिटी आ रही है, ये सारी चीजें ये कर पाते हैं। दूसरी बात अगर हम बात करें कि वर्म्स हैव स्पेशलाइज्ड कीमो रिसेप्टर्स, ये जो वर्म्स होते हैं जो अर्थवर्म है
इसमें स्पेशलाइज्ड कीमोरिसेप्टर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं टेस्ट रिसेप्टर। जैसे हमारे टंग में टेस्ट बड्स होती हैं, यस हम टेस्ट को पहचान पाते हैं कि मीठा है कि कड़वा है कि नमकीन है, वैसे ही इनके पास भी स्पेशलाइज्ड कीमोरिसेप्टर्स होते हैं अर्थात टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं जो रिएक्ट करते हैं केमिकल स्टिमुलाई के अगेंस्ट। किस तरह का केमिकल है उसके प्रति ये रिस्पांस दिखाते हैं। ये जो सेंस ऑर्गन्स हैं, ये लोकेटेड होते हैं वर्म के एंटीरियर पार्ट में। कहां पर लोकेटेड हैं? वर्म के एंटीरियर पार्ट में। चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा अर्थवर्म के सेक्सेस के बारे में। अगर अर्थवर्म की हम बात करें बच्चों, तो आपको पता है कि अर्थवर्म क्या है? हर्माफ्रोडाइट होता है, अर्थात यह बाइसेक्सुअल है, अर्थात एक ही इंडिविजुअल में आपको मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मिलेंगे, अर्थात टेस्टिस और ओवरी आपको एक ही इंडिविजुअल में देखने को मिलेगा, सेम इंडिविजुअल में। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इसीलिए हम इसको हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं, और हर्माफ्रोडाइट को हम बाइसेक्सुअल भी बोलते हैं, अर्थात दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं। अब जरा हम अगर इन ऑर्गन्स की बात करें बच्चों, तो दो जोड़ी, टू पेयर्स ऑफ टेस्टिस, जोड़ी कितने बच्चों? टू पेयर्स है। हमारे में कितना होते हैं? टेस्टिस होती है वन पेयर, यहां पर कितनी है? टू पेयर है। टू पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होता है 10th और 11th सेगमेंट में। तो 10वें सेगमेंट में वो एक पेयर हो गया, और फिर 11वें सेगमेंट में एक पेयर हो गया, किसका? टेस्टिस का। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? इनका जो वासा डिफरेंसिया है, वासा डिफरेंसिया हमारे इसमें भी देखने को मिलता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, तो वासा डिफरेंसिया जो रन अप करती है 18 सेगमेंट वेयर दे ज्वाइन द प्रोस्टेटिक डक्ट। तो 18 सेगमेंट्स में यहां पर क्या है? प्रोस्टेटिक डक्ट के साथ ही ज्वाइन कर जाती है। प्रोस्टेटिक ग्लैंड हमारे में भी होता है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड। टू पेयर्स ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। एसेसरी ग्लैंड्स कितनी है बच्चों? टू पेयर है, और ये कहां प्रेजेंट है? वन पेयर ईच इन 17th एंड 19th सेगमेंट। तो एक पेयर 17th सेगमेंट में है और दूसरा पेयर बच्चों 19th सेगमेंट में है। कॉमन अगर हम बात करें तो जो कॉमन प्रोस्टेट और स्पर्मेटिक डक्ट है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वासा डिफरेंसिया। ये ओपन करती है, ओपन टू द एक्सटीरियर बाय ए पेयर ऑफ मेल जेनिटल पोर, और मेल जेनिटल पोर्स के द्वारा ये वासा डिफरेंसिया बॉडी के बाहर ओपन होती है। ऑन द वेंट्रोलैटरल साइड ऑफ द 18th सेगमेंट, और पोजीशंस क्या है बच्चों स्पोर की? 18th सेगमेंट है। चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? फोर पेयर्स ऑफ स्पर्माथीका। कितने पेयर है बच्चों टोटल? यहां पर जो पेयर आप देखें तो कह रहा है, यस क्या कह रहा है कि यस चार जोड़ी, फोर पेयर आपको मिलेंगे स्पर्मेथीका के, जो कि लोकेटेड है 6वें से लेके 9वें, 6th to 9th सेगमेंट ऑफ द अर्थवर्म बॉडी, और हर एक पेयर आपको प्रत्येक सेगमेंट में मिलेगा। एक 6 में मिलेगा, एक 7 में मिलेगा, एक 8 में मिलेगा, एक 9 में मिलेगा। तो टोटल बच्चों कितने पेयर हो जा रहे हैं? टोटल पेयर हो जा रहे हैं हमारे 4। किसके? यस स्पर्मेथीका के। क्या कह रहा है? दे रिसीव एंड स्टोर स्पर्मेटोजोआ। ये स्पर्म को रिसीव भी करते हैं और स्टोर करते हैं कहां पर? स्पर्मेटोजोआ को, ड्यूरिंग कॉपुलेशन। तो ये रिसीव करेंगे और स्टोर करेंगे स्पर्मेटोजोआ को ड्यूरिंग कॉपुलेशन के दौरान, सेक्स के दौरान। वन पेयर ऑफ ओवरी, ओवरी की एक जोड़ी वो अटैच होती है एट द इंटर सेगमेंटल सेप्टम ऑफ द 12th एंड 13th सेगमेंट्स। जो 12वां और 13वां सेगमेंट्स होता है बच्चों, अगर हम ये मान लें कि ये मान लीजिए कि ये 12वां सेगमेंट है और ये 13th सेगमेंट है, तो कह रहा है इंटर सेगमेंटल, मतलब यहां पर इस तरह से इंटर सेगमेंटल सेप्टम होता है 12 और 13 सेगमेंट्स में, यहां पर आपको वन पेयर मिलेगी किसकी? ओवरीज की। ओवेरियन जो फनल्स है वो प्रेजेंट होती है कहां पर? ओवरीज के नीचे, विच
कंटिन्यू इनटू द ओविडक्ट, जो ओविडक्ट तक लगातार रहती है और ज्वाइन करती है किसके साथ एंड ओपन हो जाती है कहां पर, जो वेंट्रल साइड है एज ए सिंगल मीडियन फीमेल जेनाइटल पोर के थ्रू ऑन द 14th सेगमेंट ऑफ अर्थ वर्म। तो कहां पर ओपन हो रहा है, 14th सेगमेंट पे। ये कहां पर हो रहा था, 18th सेगमेंट पे। तो इस चीज को आपको फोकस करना है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कह रहा है, अगर हम बात करें तो क्या कह रहा है कि ए म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ स्पर्म अकर्स बिटवीन टू वर्म्स ड्यूरिंग मेटिंग। अब चूंकि दोनों कैसे है, बाइसेक्सुअल है, तो क्या होता है जब दो ये अर्थवर्म आपस में मेटिंग करते हैं तो मेल वाला फीमेल को स्पर्म देगा, यस, और इधर मेल वाला इसको स्पर्म दे देगा, तो एक्सचेंज भी होता है। तो यहां पर वही कह रहा है कि यहां पर एक म्यूचुअल एक्सचेंज देखने को मिलता है दो अर्थवर्म के बीच में। किसका एक्सचेंज, बच्चों, स्पर्म का, यस, दो वर्म के बीच में। कब होता है, जब इन दोनों के बीच में मेटिंग होती है। इसमें से एक वर्म जो होता है has to find another worm and they mate juxtaposing opposite gonadal opening exchanging packets of sperm called spermatophores। ये packets को क्या बोलते हैं, spermatophores बोलते हैं। और यहां पर sperm का exchange होता है। और क्या कह रहा है कि जब sperm mature होता है तो mature sperm और जो egg cells होते हैं और एंड न्यूट्रिटिव फ्लिट जो है वो डिपॉजिटेड हो जाता है कहां पे, इन कोकून्स में। और ये कोकून प्रोड्यूस होती हैं बाय द ग्लैंड सेल्स ऑफ द क्लाइटेलम। यस, क्लाइटेलम एक बताया था ना यहां पर, ग्लैंड सेल्स होती हैं, तो यही प्रोड्यूस कर रही हैं, यस, कोकून्स को। अब फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या, स्पर्म का एग के साथ मिलना। फर्टिलाइजेशन और जो डेवलपमेंट है वो कहां पर होता है, विद इन द कोकून्स, वो कोकून्स के अंदर होता है बच्चों, विच आर डिपॉजिटेड इन सॉयल, जो सॉयल में डिपॉजिटेड हो जाते हैं। द ओवा अर्थात एग जो फर्टिलाइज्ड होता है किसके द्वारा, स्पर्म के द्वारा होता है, स्पर्म सेल्स के द्वारा होता है, विद इन द कोकून विच देन स्लिप्स ऑफ द वर्म एंड इज, क्या कह रहा है जरा आगे देखते हैं, and is deposited in or on the soil। और फाइनली जब ये एग फर्टिलाइज हो जाता है तो सॉइल पे फिर आके डिपॉजिट हो जाता है। कह रहा है जो कोकून है वो होल्ड करते हैं किसको, वर्म के एम्ब्रियो को। तो वर्म का एम्ब्रियो कहां पर देखने को मिलेगा, कोकून्स के फॉर्म पे, कोकून्स के अंदर। लगभग 3 सप्ताह के बाद प्रत्येक कोकून से प्रोड्यूस होते हैं 2 से लेके 20 वर्म बेबी विद एन एवरेज ऑफ 4, जिसका एवरेज कितना होता है, 4 होता है। डेवलपमेंट जो होता है अर्थवर्म का वो कैसा बच्चों, डायरेक्ट है, अर्थात यहां पर कोई भी लार्वा फॉर्म्ड नहीं होता है। तो डेवलपमेंट कैसा है अर्थवर्म का, डायरेक्ट है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ओके बच्चों, चलिए तो इस तरीके से हम लोगों ने यहां पर अर्थवर्म से रिलेटेड चीजों को देखा। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि अर्थवर्म को हम फ्रेंड्स ऑफ फार्मर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आपको पता है, क्योंकि मिट्टी को क्या करते हैं, भुरभुरी बनाते हैं, जिससे प्रॉपर सॉयल में एरेशन प्रोसेस हो पाती है। क्या कह रहा है कि जो अर्थवर्म है उनको हम फ्रेंड्स ऑफ फार्मर बोलते हैं, मतलब ये किसान के मित्र होते हैं। क्यों, क्योंकि ये बनाते हैं बारो इन द सॉयल, अपने सुरंग बनाते हैं और मेक इस बनाते हैं, इसके मिट्टी को पोरस बना देते हैं, जिससे रेस्पिरेशन प्रोसेस और पेनिट्रेशन प्रॉपर हो पाता है डेवलपिंग प्लांट्स के रूट्स का। रूट भी प्रॉपर तरीके से पेनिट्रेट कर पाएंगे और रेस्पिरेशन प्रोसेस भी हो पाएगी। जो प्रोसेस होता है इंक्रीजिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉयल बाय द अर्थवर्म, तो अर्थवर्म इस तरीके से सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। तो एक तरीके से खाद का ये काम करते हैं। दे आर आल्सो यूज्ड एज बेट इन गेम फिशिंग, और मछलियों को पकड़ने में भी इनका यूज किया जाता है। अब जरा इसके बारे में जो ये यहां पर स्ट्रक्चर्स दिया है बच्चों, इसके सेक्सुअल ऑर्गन्स से रिलेटेड जरा उस स्ट्रक्चर्स को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं तो चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी।
यस, अगर हम यहां पर बात करें तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है अर्थवर्म का, यस ये दिया हुआ है। यहां पर क्या दिया है देखो, ये है स्पर्मथीटा, ये है हमारे, अगर हम बात करें तो ये है स्पर्मथीका है। ये देखिए यहां पर टेस्टिक सैक है जिसके अंदर क्या दिख रहे हैं आपको, टेस्टिस दिख रहे हैं। ये स्पर्मिडुकल फनल्स हैं, ये फनल्स हैं। ये सेमाइनल वेसिकल है बच्चों, जिस तरह से ह्यूमन में देखने को मिलता है। ये देखो ये है ओवरी जो ओवम प्रोड्यूस करेंगी, ये होती है ओवेरियन फनल, ये है ओविडक्ट, यस। और ये हमारी क्या आ रही है, ये आ रही है वासा डिफरेंशिया, ये है एसेसरी ग्लैंड्स, और ये है कॉमन प्रोस्टेटिक एंड स्पर्मेटिक डक्ट, और ये फाइनली आपको दिख रहे हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। तो बच्चों ये जो इसमें नेमिंग प्रॉपर दी गई है ये आपको आना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट यहां से ये फिगर देके आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से हम लोग ने अर्थवर्म के बारे में आज एक एक उसके सिस्टम के ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के बारे में स्टडी करी। जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा बच्चों, उस नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो बात करेंगे वो बात किसकी करेंगे, जो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म है, यस वो है कॉकरोच। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे कॉकरोच की।